बाय बाय लवली रूम, सुबह के 4:30 बजे बाय बाय यू ऑल्सो, बाय बाय स्टोर रूम एंड बाथरूम यू ऑल्सो, बाय बाय क्या बाय। सवा 5 एयरपोर्ट आना था भाई, कॉफी उठा रही है मैं होटल में ना, सुबह सुबह आया मैंने, सर आपके लिए कॉफी पैक करा, तो मैंने कहा नहीं 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 जाके पैसे खर्च करके पियेंगे, कॉफी ले ली, अब नींद की माँ बहन हो जाएगी बट सह लेंगे। कभी बैग चेक इन नहीं करता है, देखो कम सामान ले जाओ ट्रिप पे, लेकिन अगर बैग चेक इन नहीं करना तो आप जल्दी निकलते हो, सबसे चाहे आप एयरक्राफ्ट से सबसे लेट निकलो लेकिन एयरपोर्ट से सबसे पहले आप निकलोगे। रितु आ चुकी है ऑन टाइम है, वेट कर रही हो, पर पीयू भी आई है, रशी आज नहीं आई, रशी को बहुत मन था ले जाने का लेकिन उसके स्कूल का लास्ट डे तो उसकी स्कूल की पार्टी है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स उसको अब नहीं मिल पाएंगे क्लास में, तो हमने कहा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी तुम पार्टी कर लो आज मेरा गोलू। और जब पापा की चाय बनी है कि नहीं, घर बना दी है, अच्छा चलो घर जाके पिएंगे। तो 18 तारीख को मैंने कहा था हमारी काउ जा रही थी, लेकिन 18 तारीख को मैं दिल्ली में हूँ नहीं, चेन्नई में ही था, बट मैंने अपना प्रोग्राम कट शॉर्ट करा के मैंने कहा फॉर एनी रीजन मतलब आई हैव टू बी देयर, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आ गया, हम वापस जा रहे हैं अपने फार्म पे, फार्म पे हमारी काउ जाने वाली है। हाँ। पीयू की फेवरेट है, कैसे प्यार करेगा काउ उसको, ऐसे वो छोटी छोटी भी है। हाँ। मेरा है, वो कैडो भी खा लिया, पराठे भी खाएगा आपने, मुझे नहीं खिलाएगा पराठा। A few moments later, इन लोगों ने तो ऐसी नींद पूरी की है, करते नहीं सो के आए थे क्या, उसको तो दो बेर खिलाए, बेर में नशा हो गया, सो गया। खाएगा बता, कुछ नहीं खाएगा, हम तो रुके हैं चाय पीने के लिए। चलो भैया, एक्चुअली ड्राइवर भैया को थकान हो रही थी, मैंने कहा भैया आप रुक रहे हो चाय के लिए, कहता हम रुकूंगा, मैंने कहा चलो फिर हम भी खा ही लेते थोड़ा सा। क्या खाएगा, बस कुछ भी, उंगली लगा दी है, पता नहीं क्या खाऊंगा, लेकिन ये खाना पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे, लो खाना को खिला दिया, लो मजा आ गया। हमारा पीहू और मम्मा की फर्स्ट टाइम एंट्री यहाँ पे, पहली बार आ रहे हैं। किंग फिशर बैठा है, वो देखो किंग फिशर, किंग फिशर, किंग फिशर, देखो 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 देखो, नीलकंठ, ये रहा ये रहा ये रहा। सबसे ज्यादा डील थोड़ा सही चल रहा है, ऑयल वाला सेक्शन है, ऑयल वाले सेक्शन में नीचे गड्ढे किए ना, वो गड्ढे अभी हमारे सिंक में नहीं बैठ रहे, इससे दिक्कत हो रही है। बाकी फार्म पूरा ऑलमोस्ट रेडी है, अरे पूरा ही खोद दिया यहाँ तो यार, पहले तो छोटे छोटे गड्ढे खोदे थे ना। ये हमारा घी सेक्शन है, तो देखो ये बन गया ना, तो इसमें एक एक मटका आ जाएगा अपना, एक बार में इतने सारे मटके यहाँ पे, ये पूरे मटके यहाँ पे, तो एक मटके में एटलीस्ट यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ घी। सामने फार्म है ना, सामने से दूध चुवाई हुई, इधर फ्रेश मिल्क यहाँ पे आ गया, हल्का सा गर्म किया, दही बनने की जगह रख दिया, और जब दही बन जाएगा सामने वाली दीवार पे बिलोना वो लगेगा, बिलोना, दही को बिलोना करके मक्खन कर देंगे, मक्खन होते ही उसी घड़े में छान के फिर इस सेक्शन में लेंगे, यहाँ जला के उसको स्लो आंच पे मिट्टी के घड़े में उसको घी बनाएंगे। आप जब हमारा घी टेस्ट करेंगे ना, तो वो जो चीज आपको यहाँ पे आएगी, मिट्टी का सौंधापन, जो एक अलग फ्लेवर आएगा आपको जब आप घी ट्राई करेंगे ना, क्योंकि वो जो मिट्टी में जब कोई चीज पकती है उसका फ्लेवर बहुत अलग आता है। तो आज हमारी पहली काउ आ चुकी है फार्म पे, मेहुल भाई ने फर्स्ट बैच भेज दिया गुजरात से चला के, और अभी और भी भेजेंगे दो बैच, और बाद में वो खुद भी आएंगे, लेकिन बिकॉज टुडे इज, और इसीलिए मैं चेन्नई से यहाँ पे आ गया हूँ, पहली काउ है, तो भगवान का नाम लेके पूजा करके पहली काउ की एंट्री कराते हैं फार्म पे। रास्ते में हो गया था ये अनप्लान्ड, मतलब उसका एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी देर में होगा बट जल्दी होगी, इसलिए ये छोटा वाला इसका बेबी है, उसको इसका दूध नहीं पीना, अपने दोस्त के साथ दोस्त की मम्मी का दूध पीना ये कैसी दोस्ती है भाई, वो देखो उसी में लगा हुआ है वो। पियो 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 ये बहुत काटेगा, क्या ये बहुत काट लेगा, बहुत क्या कह रही है, नहीं काटेगा, पीयू को इतनी काउस पसंद थी कि इसकी किस्मत में हमारे पास काउ आ गई। इस बेबी का ऋतु नाम रख रही है, हमको पहचाने कैसे, इसके सर पे व्हाइट व्हाइट है, क्या रखे इसका नाम, श्वेता श्वेता श्वेता, इसलिए क्योंकि सफेद मतलब श्वेत, सफेदा मतलब श्वेता, तो श्वेता नाम है इसका, नाम रखते गंगा, गंगा।
गंगा रखते हैं। गंगा मम्मा बुला रही है। मम्मा गई है अभी पीछे। हा? मम्मा अभी रेस्ट करने गई है। पीयू गंगा को बुला रही है। पोलाइटली बोलो आ जाएगी। ओए जैकी गंगा देखो पीयू कितने प्यार से बोल रही है। आ जाओ पीयू प्यार से बुला रही। चलो चलो खींचो अब आ जाएगी। चलो चलो अपने अपने प्यार से बुला। चलो 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 ले चलो गंगा आ जाओ गंगा। अरे आ गई पीयू के बुलाने से आ गई। जो गाय हैं ये हमारे यहाँ जो काम करते हैं ये लोग भी सुबह आते हैं काम करने तो अपनी गाय फिर यहीं पे लाके यहीं बांध देते हैं। एंड ये हमारी गाय हैं। कुछ गायें भी यहाँ बैठे धूप सेक रही हैं। कुछ गायें अंदर हैं और कुछ गायें उस तरफ चारा चल रही है। तो अभी कुछ गायें हैं हमारे पास। कुछ गायें अगले हफ्ते आ जाएंगी और फिर उसके अगले हफ्ते कुछ आ जाएंगी। तो हमारा प्लान ये है कि इसको जल्द ही अब स्टार्ट कर लें क्योंकि ये जो गायें हैं अभी बहुत लंबा ट्रैवल करके आई हैं। तो अभी ये एक हफ्ते तक सिर्फ रेस्ट करेंगी। थोड़ा इनको है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है जगह चेंज हुई है थोड़ी सी रेस्टलेस होती है तो एक हफ्ते का टाइम इनको एडजस्ट करने में लगता है। तो एक हफ्ते तक जब ये एडजस्ट कर लेंगी तब तक दूसरा बैच आ जाएगा। फिर उनको लगेगा अरे दीदी आप यहाँ पे तो वो जल्दी एडजस्ट कर लेंगी। तो इसलिए ये पहचान वाले बंदे मिला क्योंकि वो सेम गौशाला की है ऑलमोस्ट सेम एरिया की है। पर अभी मेरे को लग रहा है हो गया इनको तीन चार दिन चले हुए तो थकान बहुत ज्यादा होती है रास्ते में ना बिकॉज अपन लोग तो क्या है एसी में बैठ के आ जाते हैं फ्लाइट में बैठ के आ जाते हैं एक घंटा में पहुंच गए। बट एनिमल्स का थोड़ा डिफरेंट रहता है प्लस दे गेट मोर अटैच टू वन प्लेस तो दे टेक टाइम। हाथ दो तो अपने आप आ जाती प्यार कराने यार ये इन देसी गाँव की बहुत खासियत है। गौ माता मार मत देना व्लॉग में बोल दिया तो। हाँ माता ये देखो चाटने लगी। फार्म पे जो लोग अभी काम भी कर रहे हैं ना वो भी देखेंगे कि काम करने की एनर्जी एटमॉस्फेयर पॉजिटिव सब कुछ यहाँ पे भी बढ़ जाएगा जैसे जैसे और गाय आएंगी ना। इसी गायों का सारा कमाल इस हम्प में होता है। सूर्य केतु नाड़ी होती है यहाँ पे। मैं श्योर तो नहीं हूँ जैसे बोलते हैं कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है तो शरीर के गाय के शरीर में भी 33 करोड़ नाड़ियाँ होती है जो मेनली यहाँ से कनेक्टेड होती है सूर्य केतु नाड़ी एंड बिकॉज इट टेक्स द सन एंड डायरेक्टली इट गोज टू द अडर ऑफ द काउ एंड द यूरिन ऑफ द काउ सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो जो 33 करोड़ का नंबर है वो मुझे एकदम से अचंभा लगा कि अरे यार हमेशा हम सुनते थे 33 कोटि देवी देवता फिर ये 33 करोड़ क्या ये संयोग की बात है और यही बोलते हैं गाय के शरीर में सब देवी देवताओं का वास होता है। तो मुझे इसका आंसर तो नहीं मिला बट मुझे लगता है ये संयोग है कि नहीं आप लोग बताओ कमेंट करके। और करेंगे सारी अपने गाय के गले में ना एक घंटी बांधेंगे तो जब ये घास चलती है ना टन 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 हल्की बड़ी अच्छी सी आवाज आती है। देखो मैं अभी पहली बार इनसे मिल रहा हूँ और एकदम मतलब अच्छे से प्यार करवा रहे हैं यार। कोई ऐसा एनिमल नहीं होता इतने पास आपको आने से पहली बार में। आई थिंक दे ऑल्सो डू द वाइब चेक। गर्दन देखिए इनकी पहचान होती है जितनी इनकी गर्दन ऐसी होती है। और दूसरी है कि प्योर इनके देखिए कान अंदर की ओर जाते हैं और सींग नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं और इनका सर जो होता है उल्टा मटके जैसा। तो ये थोड़ी बहुत पहचान है इनकी। प्योर बिल्कुल प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ गिर का द बेस्ट काउज इन इंडिया। अपना आशीर्वाद रखना हमारे ऊपर हम आपके बच्चे हैं सेवा करेंगे। मुझे तो लगता है कि आई एम गेटिंग इन टू दिस बिजनेस और इसी बहाने भगवान मेरे हाथों सेवा कराना चाहते हैं। कृपा हुई है भगवान की हम पे बस मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये मौका किसको मिलता है यार मतलब देसी गाँव की सेवा करना अपनी नस्ल को प्रिजर्व करना अपने भारतीय कल्चर को आगे लेके जाना जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी को ये मौका मिलता है। एक बार ये फार्म चालू हो गया ना भाई आप मुझे दिन भर यहीं पे गर्मियों में वो देखिए ट्यूबवेल अभी चला है बस ये यही जिंदगी हम जियेंगे। पीछे खेती का भी प्लान चल रहा है जैसे जैसे ये गाय गोबर करती रहेंगी तो वहाँ डंग डालते रहेंगे पूरी खाद फर्टाइल हो जाएगी। अपना यहीं गर्मियों में बनियान लंबा वाला कच्छा पहन के ट्यूबवेल में नहा के यहीं रोटी खाएंगे मंजी लगा के यहीं सो जाएंगे। अपना ऊपर का वाला रूम भी तैयार हो रहा है यहाँ पे भी सब एसी कूलर सब लग जाएगा ऊपर मस्त कूलर लगा देंगे और बस मजे करेंगे है ना गौ माता। खुजली इतनी हो रही है बाप रे ये हमने पेड़ लगवाए हैं भैया महंगे पेड़ हैं ये है कि गर्मियों में खूब बड़े हो जाएंगे बरसातों में इनकी छाव में फिर यहाँ पे बैठा करेंगे गाय लेकिन इनको खुजली इतनी मच रही है भाई तो तोड़ देंगे भाई। एक चीज मुझे लेकिन बहुत अजीब लगी जब हम गुजरात गए थे वहाँ पे 250 गाय 300 गाय थी वहाँ जो लोग थे जो सेवा करते थे उनको हर काउ की अलग से पहचान थी अलग से ना मतलब मुझे अभी ये भी सेम लग रही है माता वो भी सेम लग रही है ये भी मतलब अरे भैया ये तो तोड़ के मानेंगे यार इतनी खुजली हो रही है इनको भाई तो मुझे तो सारी सेम लग रही है मतलब जब हमको भी 6-7 महीने हो जाएंगे तो हम भी इनको पहचान पाएंगे नाम से और इनके आवाज से और तरीके से। अभी आ रहे तो मैं रित्तू को भी अंदर दिखा देता हूँ पूरा फार्म घुमा देता हूँ। ये एरिया हमारा बनेगा ऑयल एरिया नहीं है ये पैकेजिंग एरिया यहाँ सब कुछ पैकेट होगा मतलब बनेगा अपने अपने रेस्पेक्टिव जगह में। दिस इज पैकेजिंग एंड डिस्पैच एरिया। ये हमने भर दिया पहले लोग आए थे ना ये पूरा गड्ढा था तो ये भरा दिया गया पूरा गड्ढा ये फ्लैट हो गया। ऊपर फॉल सीलिंग का काम चालू हो गया लाइटिंग का काम चालू हो गया और इलेक्ट्रिकल का काम चालू हो गया। सो ये अभी लास्ट फेज है मतलब दिस एरिया इज कम्प्लीट इसको अभी क्लोजिंग करा रहे हैं। पैकेजिंग एरिया हो गया ये डिस्पैच एरिया हो गया जो सारे ऑर्डर आएंगे डिस्पैच एरिया हो गया एडमिन ऑफिस अंदर बन रहा है ये भी देखिए काम कंप्लीट हो गया पूरा प्लास्टर व्लास्टर हो गया यहाँ पे। तो ये एक एरिया रहेगा ये बीच में जगह छोड़ी हुई है। सबसे बेस्ट एरिया दिखाता हूँ फार्म का। कैटी को भी ले आए ये सब मैंगो ट्रीज रहती है इसमें मैंगो आते हैं सब सीजन में। ऐसे भैया नहीं लेटे हुए देखो वो सामने लेटे हुए लंच करके सो गए देखो ऐसे हम लोग भी सो जाया करेंगे। कैटी पकड़ ली अरे वाह कैटी आ भी गई
छोड़ दो कैटी को, छोड़ दो क्या? कैटी आ जा बेटा, कैटी आ जा, पीयू को आपसे प्यार हो गया, आ जाओ हेलो पी, कैटी देखो आ जा, कैटी आ जा, खाना भी दे दूंगी। कैटी चला गया, इसलिए रो रहे हो? कैटी आओ, आ जाओ मियाओ, पोलाइटली बुलाओ, आ जाएगी, पोलाइटली बुलाओ, देखो आ गई, देखो पोलाइटली प्यार से गई। हाँ प्यार करो कैटी, देखो करा रही, देखो मैं तो इतनी प्यारी कैटी देखी नहीं आज तक, प्यारी है ना, ऐसे मुझे आप प्यारे लगते हो, जैसे आपको कैटी प्यारी लग रही है, फेमस कैटी है, देखो डांस कर रही है, क्या फार्म है हमारा, दिखाता हूँ, ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा मेन रिसेप्शन एरिया है, ये एडमिन ऑफिस है, यहाँ पे जो अपना ऑफिस होगा वो बैठ जाएंगे, यहाँ पूरा अपना पेंटिंग का काम चल रहा है, मैक्स हमें 3-4 दिन में पेंटिंग पूरी निपटवा देनी है, क्या बोल रहा है, बाय बाय बोल दो काउस को अपने, ये नहीं गंगा को बाय कर दो, गंगा को आपकी फ्रेंड जो आज बनाई है आपने, बाय कर दो, चल ओ देखो जरा, बंद पड़ी थी बहुत टाइम से, अभी मोटर चालू कर रहा हूं, ये कौन सी, कौन सा, ये जय बोलते हैं इसको, है गाय के, अच्छा होता है, मैं भी आगे हमारे गंदे लेके जाएंगे, लगे हाथ लेके समोसा भी निपटा दिया, मन नहीं था बट क्या करें, आ जाओ, वी आर बैक होम फाइनली, रेशी अंदर आओ, देखो पापा गन्ने लाए, देखो गन्ने के चूसेंगे, आओ बेओ, किसको ढूंढ रहे बेटा, कहाँ पे है वो लोग, यहाँ पे नहीं आए, जाओ ढूंढो, नहीं ढूंढेगा, यहाँ पे नहीं है पीयू, रशी नूनी और रशी यहाँ पे नहीं है, जाओ ढूंढो, जाओ